गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं लेट्स रोव। अभी मैं हूं रैथल में और कल बहुत ही भयंकर स्नोफॉल हुई है। ये देखो आप मेरे पीछे, वाओ क्या खूबसूरत हो गया यार, कितना मस्त लग रहा है ये। अरे इधर आगे देख, कितना बढ़िया लग रहा है पीछे। ये देखो अभी शीशे पे है बर्फ, छत के ऊपर है बर्फ, तो अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, तो मैं ये बर्फ हटाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ जम गई है, अभी खैर उतना ठंडा नहीं है, तो बर्फ को भी हटाने में ऐसा कोई दिक्कत हो नहीं रही है। इसके ऊपर डाल देता हूँ क्योंकि हटाना पड़ेगा बर्फ, नहीं तो वाइपर चलेगा नहीं। हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं, हाथ ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए बहुत ही। और आज हमारी गाड़ी का वाइपर भी टूट चुका है। एक एक मौसम फिर से बादलों से घिर चुका है। कल रात इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी है ना, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो देखो क्या मस्त नज़ारे हो रखे हैं इस समय, बहुत ही खूबसूरत। मतलब पीछे देखो वो गाड़ी खड़ी हुई है, और सबसे अच्छी बात क्या है ना यहाँ पे कि ये जो सड़क है, सड़क एकदम साफ हो गई है। ये देखो ये यहाँ पर एक होटल है, इसका नाम है दयारा उत्सव। तो ये लास्ट पॉइंट है रैथल से, जब आप ऊपर बढ़ते हो इसके आगे जाके रोड ख़त्म हो जाती है, तो वही रोड ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने गाड़ी बैक की और इधर पीछे लगाई, और अब मैं पैदल पैदल थोड़ा सड़क पे ऐसे ही थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है, मतलब सबसे अच्छी बात क्या है ना कि रात में हुई है, काफ़ी हैवी हुई है, सब कुछ बर्फ़ से ढक गया है, और जो भी थोड़ी बहुत रोड पर बर्फ़ थी ना, तो सुबह धूप निकली और उसने रोड को क्लीन कर दिया, तो गाड़ी चलाने में और यहाँ आने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। स्नो चेन लगाने का कहीं मौका ही नहीं मिल पा रहा यार। ये देखो आप क्या ज़बरदस्त व्यू है, अमेजिंग। और नीचे वो जो एक, अगर आप वीडियो में आपको अगर दिख रहा हो तो एक छोटा सा गांव है ये वाला ये जो आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा धुंध आ गई है, मतलब बादल है वहाँ पे, तो ये गांव है नितिन, इसका नाम है नितिन। ये पूरा बर्फ़ से ढक गया है गांव, और अभी एक्चुअली बादल लग गया ना फिर से, तो ये सब कुछ फिर से दिखना बंद हो गया। बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ हुई है भैया, बहुत ही मज़ेदार। कल बड़ा इन्जॉय किया हमने स्नोफॉल में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो। और अभी फ़िलहाल हम ये जो बर्फ़ गिर गई है, जो नज़ारे बदल गए हैं, जो प्रकृति ने इसे ब्लैक एंड वाइट रंग दिया है, उसके मज़े लिए जाएं। अब जैसे सूखे वाले जो पेड़ होते हैं ना, जब तक स्नो नहीं होती है तो लगता है सूख गए पेड़, लेकिन प्रकृति की कहानी है ये, उनको पेड़ों को सूखा बनाती है, इसलिए कि उन पर बर्फ़ मज़े से बढ़िया तरीके से टिके रहे। अब ये देखो आप कितनी खूबसूरती से ये जो है यहाँ पर टिकी हुई है। अब आप देखो ये शायद थोड़ा थोड़ा आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा, थोड़े बादल हट गए ना, तो ये जो नीचे आपको गांव दिख रहा है ना, ये वाला ये है नितिन। बड़ा ही खूबसूरत गांव लग रहा है यार, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ, अब थोड़ा ठंडा होना भी स्टार्ट हो गया है। मास्क बड़ा सही रहता है यार, मतलब मास्क लगा लो ना तो
तो ये जो आपको ठंड होती है ना नाक वाक में जो ठंड लग रही होती है, ये बहुत ही सही हो जाता है इसका मामला। चलो यार थोड़ा ऊपर चला जाए, मतलब हम ऐसे आ गए थे टहलने, ब्रेकफास्ट भी किया नहीं, हमने सोचा चलो ऊपर चल के दयारा उत्सव वाला जो होटल है वहीं के उसी के रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी वो बंदा था नीचे ही मिल गया था, उसको बोला कि आ जाए यार कुछ बना दे, कुछ पराठे वराठे, थोड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ से व्यू। मतलब कहानी वही होती है कि हम जहाँ पर जैसे रुके हैं ना, जो घर है अभी हमारा नीचे, वहाँ पे भी बढ़िया स्नो है ना, व्यू बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये दिल मांगे मोर वाली जो कहानी होती है ना, उस कहानी के चक्कर में हमने कहा चलो यार ऊपर चला जाए थोड़ा। तो हम अरे बाप रे, अभी देखो रास्ता में दिखाता हूँ आपको। अब क्या हो गया कि धूप निकलने से नहीं, जो बर्फ़ पिघली है ना, इससे रास्ता हो गया बिल्कुल खतरनाक, भयंकर वाला स्लिपरी ऊपर चढ़ने में। अब मेरे को लग रहा मैं गलत रास्ते से आ गया, इस रास्ते से आना नहीं चाहिए था मुझे, बहुत ही स्लिपरी हो गया ये। और ये देखो आप क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही बेहतरीन है ना। फिलहाल तो मैं कंसंट्रेट करता हूँ कि मैं कैसे इस रास्ते से निकल के पहुँचूँ। अरे बाप रे, ये देखो आप पूरी कीचड़ हो गई है। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे, फिसल ना जाऊं कहीं। ओए होए 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 होए, अरे बाप रे, ओए होए होए होए, ये देखो आप मतलब कीचड़ ऐसी हो रही है ना भयंकर, और स्नो में साला पता नहीं चलता है कि रास्ता किधर है। और जैसे ये देखो, ये होटल के पीछे का ही रास्ता है, और अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो वो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है देखो, जो मैंने आप मैं उधर रोड है, वो एक्चुअली मैं उस रोड से नीचे आया था घूम के, और अभी शॉर्टकट से मैं आ गया ऊपर, और यहाँ से आप व्यू देखो, ये देखो ये दिख रही ना आपको रोड, इस रोड से मैं से ऊपर चढ़ गया, चढ़ना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि रास्ता बना हुआ है थोड़ा ठीक ही होगा, लेकिन ये पूरा कीचड़ है, ये एक्चुअली में ग्राउंड मैदान जैसा है ना ऊपर ये, तो उस पर बर्फ़ गिर गई है, और बारिश मतलब सुबह धूप निकली तो वो बर्फ़ पिघलने लग गई, उससे पूरी ही कीचड़ हो गई है, भयंकर वाली कीचड़। फिलहाल तो मैं ट्राई करता हूँ निकलने की, अरे कांटे भी हैं यार यहाँ झाड़ियों में, अरे बाप रे, कई बार से ना लगता कि आपने गलत थोड़ा डिसीजन ले लिया, मुझे लगा था ये सीधे वहीं निकल जाएगा होटल के बाहर ही, लेकिन बात वही बड़ी हो, होटल के बाहर भी एक्चुअल में कीचड़ ही हो रही है, तो ये उधर ही निकल रहा है, जाना मुझे उधर से ही पड़ेगा। अरे यार गड़बड़ हो गया मामला, लेकिन ये आप होटल के पीछे देखो क्या मस्त नज़ारे हैं, ये देखो आप बहुत ही खूबसूरत। तू तो गाना गा दे श्वेता के लिए। कौन सा? तेरी किचन में घुस जाओ, पिज्जा बर्गर बना जाओ, बस इतनी सी है ये आरज़ू।